हो सकता है हम आज भी संसार के चंगुल में फंसे हुए हैं, प्रभु को पर विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, लेकिन आज भी हम सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर को खोजना शायद हमने बंद कर दिया है, परमेश्वर की ओर हाथ उठाना शायद हमने बंद कर दिया है, प्रार्थना करना शायद हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हम संसार की बातों में, संसार के चंगुल में फंसे हुए हैं। धन कमाना, बिजनेस को और आगे बढ़ाना, शादी करना, ये सारी चीज, बहुत सारे हमारा एम हो सकता है, हम इन्हीं में घुल के रह जाते हैं, और इसी रीति से हम कब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी नजर वहां पर लगा के रखी हुई है। हो सकता है हम संसार के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपने में दिक्कत हो रही है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, वो धनवान व्यक्ति था, प्रभु मैं उद्धार कैसे पा सकता हूं? प्रभु ने उसको पुराने नियम की आज्ञा उसको बता दी, परमेश्वर की महिमा कर, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मान, और भी बहुत सारी बातें उसको बताई। उसने बोला, प्रभु ये तो मैं बचपन से करता हूं, मैं तो जब छोटा था तब से ये करता आ रहा हूं। प्रभु ने बोला, अपना धन गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्या वो प्रभु के पीछे हो लिया? वो प्रभु के पीछे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका मन उस पैसे के साथ, उसका मन अपने धन के साथ जुड़ा हुआ था। वो दुनिया के चंगुल में फंसा हुआ था, उसे धन कमाना है, उसे और धनी होना है, वो दुनिया के चंगुल में फंसा हुआ था। और ये हमारे साथ भी हो सकता है। जब वो व्यक्ति जो ये कह रहा था पूरे दावे के साथ, प्रभु मैं बचपन से ये करता आ रहा हूं, ये आज्ञा तो मैंने बचपन से मानी है, प्रभु ने कहा कि तुम्हारा आज्ञा तुमने मानी है, तुम पवित्रता के साथ चलते आए हो, लेकिन तुम्हारा मन कहां लगा हुआ है?